राम राम सारे भाइयों ने, क्या हाल है सभी भाइयों के? भाई सब भाई बढ़िया होंगे, भगवान दया आता है और बढ़िया सिस्टम चल रहा होगा। फिलहाल भाई मैं और मम्मी जा रहे थे कुछ खान, भूख लग रही है। भूख तो क्या मतलब रोटी वाली भूख नहीं, वैसे बाहर का खान का जी कर रहा था, घने दिनों तक खाया नहीं था कुछ भी, तो हम सोचे कि कुछ खाए आते हैं। पास में ही है एक भाई लगाते हैं, एक छोटी सी दुकान है मोमोज वगैरह की, मोमोज चाप ये सब, मतलब वही फास्ट फूड स्ट्रीट फूड ये सब मिलता है। तो चलते हैं, खा के आते हैं, कुछ रेडी करते हैं ओन और कुछ खा के आते हैं बढ़िया सब, फिर आप सबको दिखाता हूँ और मम्मी से मिलाऊंगा, ठीक है? तो हाँ जी मम्मी जी, कैसे हो? सब बढ़िया एकदम? बिल्कुल मैं ठीक हूँ। तो फिर क्या दावा, तुम्हें क्या लाया, क्या खिलाओगे? गोलगप्पे। गोलगप्पे झूठे कहेंगे, गोलगप्पे कहाँ मिलेंगे? मोमोज। हाँ ऐसे बोलो, सच सच बोलते हैं ना, झूठ नहीं बोलते। भाई फिलहाल मैं मम्मी गए मोमोज खाने, गए नहीं जा रहे हैं, और आप लोगों को भी खिलाऊंगा, साथ खिलाऊंगा, दिखाएंगे कि आप लोगों के मुंह में पानी आ जाए। और ज्यादा कुछ नहीं है, मेरे मुंह में पानी आता है जब मैं देखता हूँ फोन में, तो ऐसे ही आप लोगों के साथ मैं करने वाला हूँ। हाँ पास होते तो खिलाते, जो भी भाई पास होगा उनको खिलाऊंगा, और जो नहीं होगा उनको दिखा दूंगा खा लिया ना। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, इस तरफ से लूँ आगे से ले लूँ? इस तरफ से ले इधर से। तो चलते हैं जल्दी जल्दी और मिलते हैं टेस्टी मोमोज के साथ, और हम खा लेते हैं उसको, और आप लोग देख लेना। ओके टेस्ट मोमोज आ गए, ये देखो तंदूरी मोमोज है, ये अच्छे लगे आजकल तो मुझे। और सामने भाई दुकान देख लो, वो दुकान रही, और मम्मी को खाने के लिए तैयार हो गई थी, मेरे को मैं लोग बना दूँ, एक खा के बताऊँ मैं आप पहले। मोमोज पानी बहुत आ रहा है, पर मम्मी का भी तो रिव्यू गर्म बहुत होगा, ध्यान से। बढ़िया है ना, मस्त भाई स्वाद आते हैं इस वाले भाई के मोमोज, बहुत स्वाद है। खा लूँ मैं, फिर बात करेंगे, ठीक है? तो भाई फिलहाल हम घर आ लिए भाई, खा पी के, और बहुत देर हो ली भाई घर आए, और बैठे बैठे बोर से हो रहे थे, क्या करे कि नहीं, नेट रुक गया था मेरा, मैंने एयरटेल वालों से बात करी, मतलब जो भी बात हो सारी करी, बैठे बैठे दिमाग घूमगा मगर एयरटेल वालों के ना स्वाद ले हुए, मज़े ले हुए उनके, क्या क्या रिप्लाई देते हैं मेरी बात का, बात तो उठ पटांग है भाई, मन ना लगता कि मेरी बात तक रिप्लाई देंगे, सीधे कह देंगे कि भाई कि सर आप एयरटेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे, मतलब फलाना ढिकरा जो भी बात हो ऐसे कुछ रिप्लाई देंगे मेरे हिसाब से। और बाकी मम्मी बगल में लेटन लग रही है, तो ऐसे कुछ रिप्लाई मिलेगा अटपटा सा, बाकी देखें बात करके देखें स्वाद आऊँगे, तो कॉल करता हूँ उनको जब भी देख लेना क्या मज़े लेता हूँ क्या नहीं, क्यों बेफालतू में वीडियो को लंबा करना ना, मेरे फ़ोन से कॉल कर रहा हूँ और वीडियो शूट मम्मी के फ़ोन से करता हूँ, ठीक है भाई? एक कॉल मिलाते हैं, अब मम्मी के फ़ोन से शूट कर रहा हूँ मैं, और ये लो। अभी भाई SR नंबर वगैरह वगैरह बोलेगी, क्योंकि है ना भाई मैंने कंप्लेंट गाल रखी थी इनकी, कोई ये मेरा नेट नोट स्लो चल रहा था, तो थोड़ी सी वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो भाई अब दो प्रेस करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अरे भाई कर दिया, चल रहा हूँ। You are an Airtel Black customer. Please select from the given options. For postpaid services, press 1. For Airtel, your dedicated relationship team is available between 7 a.m. and 10 p.m. For further assistance, we are connecting your call to our customer service specialist. सवा 11 हो रहे भाई रात के, देखते हैं क्या कहते हैं क्या नहीं। वेलकम टू एयरटेल मिशन, माय नेम इज आलोक, इज योर क्वेरी रिगार्डिंग द सेम नंबर सर? हां जी यही नंबर है जिस पे मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। क्या इशू आ रहा है इस नंबर पे? इशू ठीक है भाई, मैं मेरे को कुछ चीज कंफर्म करनी थी एयरटेल से रिलेटेड। क्या कंफर्म करना है? कि भाई मैं मेरी एज अभी जैसे 18 हुई है, और मेरे को है ना एयरटेल की कंपनी में नौकरी करनी है, मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, तो कैसे जॉब मिलेगी बता पाओगे कुछ? लाइन पर एयरटेल की कंपनी में नौकरी करनी है, दोबारा बताइएगा सर। जो एयरटेल की जो कंपनी है, जो कॉलिंग जैसे आप जॉब कर रहे हो सेम यही जॉब करनी है, और मेरे को कोई चीज़ मिली नहीं जिस वजह से, मतलब जिसकी हेल्प से मैं इस चीज़ में देख पाऊँ, बात कर पाऊँ इस चीज़ के लिए। आप मुझसे कह रहे हो कि आपको नौकरी करनी है एयरटेल में? हाँ। तो मैं क्या करूँ सर उसमें? तो भाई आप मेरे को बताओ कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, मुझे पता नहीं है ना। ये आपका कंसर्न है, ये आपका इशू है? हाँ ये मेरा इशू है।
मुझे आपकी कॉल को होल्ड पर रखना पड़ेगा अकाउंट की बेहतर जानकारी के लिए, क्या मैं रख सकता हूँ? हाँ जी रख सकते हो, लाइन पर रहिएगा, होल्ड पर रख कैमरा गंदा भाई, ये तो सही में पूछ रहा यार मैं अब कैमरा कैसा है, मैं अलग ही दिख रहा हूँ इसमें जी रही था। देखते हैं भाई, भाई है ना कॉल होल्ड पर रखा है, मैं नौकरी की बात कर रहा है। अच्छा भाई हेलो भाई थैंक यू, देखते हैं भाई, शायद इसने मेरा कॉल इसलिए होल्ड पे रख दिया था कि मैं दुखी होकर काट दूं, पर मैं अभी नहीं काटता इसका इंतजार। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपके समझदार की प्रशंसा करता हूँ, माफी चाहता हूँ लंबे होल्ड के लिए। हाँ जी भाई, सर देखिए ये जो आपका कंसर्न है, हाँ जी, इसके लिए सर मैं इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है एयरटेल में, मैं यहाँ एयरटेल में खुद नौकरी करता हूँ, मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप खुद आए एयरटेल में, आप बात करिए, आपको जो भी समझना है वो आप करिए अपनी नौकरी के लिए, मैं इसके लिए कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता और कोई भी कमिटमेंट नहीं कर सकता सर। तो ये तो बताओ मैं आऊँ कहाँ कहाँ पे है इस कंपनी की? सर देखिए कोई भी जानकारी हम अपने ऑफिस की डिस्क्लोज नहीं कर सकते, अगर आपको कंफर्म नहीं है। यार तो इतनी बेइज्जती मत करो यार, लाइन पर रहिएगा, पुश भाई ये तो काम ना दिया, इन्हों कह रहा है कि है ना सर हम आपको जानकारी नहीं दे सकते ये वो, तो मैंने कही है मैं भाई कंपनी तो बता दो मैं आऊँ कहाँ पे, मुझे नो ना पता भाई कुछ भी, तो मेरे तक बताओ थोड़ी सी। इसने कॉल म्यूट पे कर दी, बता क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी भाई आ रही है आपकी आवाज़। मैं आपसे ये कह रहा हूँ सर कि जो आपका कंसर्न है वो हमारे एंड से पॉसिबल नहीं है कि हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक नॉर्मल जॉब करता हूँ, मुझे और ज़्यादा नॉलेज नहीं है सर अपने एंड से। चलो राइट सर, ठीक है भाई जी, ओके, अपने एंड से मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, सुविधा के लिए माफ़ी चाहता हूँ, इसके लिए मैंने आपको बता दिया किसके लिए आपको क्या करना है। राइट सर, ओके ओके नो प्रॉब्लम, इसके लिए आपको जो इशू है अपने एंड से मैंने रिजॉल्व कर दिया है, और आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका ये इशू रिजॉल्व कर दिया जाएगा, लेकिन हमारे इनसे पॉसिबल नहीं है, आप खुद आप जानिए, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में इस संदर्भ में आपको कोई मदद नहीं कर सकता। ओके भाई, असुविधा के लिए ओके भाई, थैंक यू सो मच इतना बताने के लिए। क्या मैं किसी का तो करता भी सहायता कर सकता हूँ? नहीं भाई और कोई सहायता नहीं चाहिए थी। इस कॉल पर आपको एक फीडबैक कैसे बातचीत के आधार पर? नहीं भाई बस इतनी सहायता, वो तो मैं थोड़ा क्या गरीब घर से लड़का था, तो कोई नहीं भाई गरीब भाई में चिल्लेंगे। धन्यवाद भाई, इस कॉल के बाद आपको फीडबैक कैसे आएगा, आप कॉल को रेट भी कर सकते हैं बातचीत के आधार पर, 9 और 10 सबसे ज्यादा जीरो सबसे कम है। हाँ जी कॉल के बाद फीडबैक कैच में आएगा, बातचीत के आधार पर कॉल को रेट कर सकते हैं, 9 और 10 सबसे ज्यादा है, 0 सबसे कम है। ओके मैम, ओके ओके मैम, वो ओके सर। एयरटेल में कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका फीडबैक हमें 10 बजे बैचर में आता है, कॉल को रेट कर दीजिएगा सर। ओके ओके थैंक यू, अच्छा दे देना। पहले मेरे फोन तो बना लो यार वीडियो, मम्मी के मजा ना आ रहा मुझे वीडियो बनाने में, स्वागत है आपका मेरे फोन में, और मेरी मम्मी ने कर दिया मेरे फोन के कैमरे की जम के बेइज्जती, तगड़े वाली जिससे ऊपर बेइज्जती हो नहीं सकती और मैं सुन भी नहीं सकता। मम्मी मेरे फोन के कैमरे में दिक्कत क्या है ये बताऊँ? बिल्कुल ब्लैक दिखाता है, ब्लैक नहीं दिखाता, ये फोन ओरिजिनल कलर दिखाता है। अब मैं भाई क्या हूँ, मैं थोड़ा रंग साफ हूँ उसमें तो काला दिख रहा है। नहीं नहीं वो क्या है, मैं भाई अब वही काला काले को कौन गोरा कर सकता है? मम्मी के फोन में जो तुमने वीडियो देखी भाई आप सबने, उस वीडियो में नू बता दो भाई कि क्यों कर भाई वो ना दिख रहा था, जैसे जाली जाली आती है, बोल जाता हूँ ना भाई हिंदी व्लॉग नहीं बनाने, थोड़ी कुछ नहीं बनानी, तो भाई मम्मी के फोन के कैमरे में बढ़िया कैमरा है, झूठ नहीं बोलता, मतलब अच्छा कैमरा है, ठीक है बढ़िया, बैक कैमरे में भी अच्छा कर लेता है रिकॉर्ड, सैमसंग S20F है यार, नू ना खराब फोन है, कोई बढ़िया फोन है, बाकी मेरे को स्वाद नहीं आया इतना, जो वीडियो क्वालिटी आपने उस फोन में देखी कि कैसे ब्लर ब्लर सी थी, और वो चीज़ छोड़ो ये जो भाई था आलोक नाम था ना, आलोक नाम था शायद, हाँ आलोक ही नाम था भाई, बहुत अच्छा भाई निकला भाई, वीडियो तो कहाँ दिखेगा यार, अभी आप लोग प्यार दोगे तब तो देख लेंगे, जो आलोक भाई थे ना, अगर आप प्यार दोगे
लोग भाई वीडियो जरूर देख लेंगे। अगर आप लोग प्यार ढंग से नहीं दोगे तो लोग भाई वीडियो कैसे देखेंगे यार। लोग भाई तक वीडियो पहुंचाओ, टैग करो लोग भाई को, जितने भी लोग नाम के लड़के हैं ना भाई सबको टैग कर दो, कोई ना कोई तो निकलेगा। अपने लोग भाई एयरटेल के उसमें कॉलिंग उसमें करते हैं रोटी, मैंने आप सबने देखी क्या क्या बातें करी और भाई ने मेरी सहायता करने की कोशिश करी, लेकिन जो आगे जो और बड़े पोस्ट होते हैं उन्होंने कह दिया कि कोई जरूरत नहीं है बताने की, है ना, धमका दिया होगा मम्मी हो, कह दिया होगा तू अपने नौकरी से मतलब रख, पर कोई नहीं भाई, धन्यवाद इतनी सहायता करी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं क्या तो किसी अच्छी चीज़ों के साथ, या फिर क्या पता ये ब्लॉग एंड भी हो जाए, कुछ नहीं पता ना मैं, कुछ नहीं पता मैं कुछ नहीं पता। गुड नाइट, कुछ यार ब्लॉग एंड कर ही देते हैं ना, गुड नाइट सब भाई भी सो जाएंगे, नहीं भाई फिर जगते रह जाएंगे, अपन सो जाएंगे। चलो ठीक है भाई, गुड नाइट सभी को, बाय बाय, राम राम सबको, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मम्मी यार कुछ सरप्राइज दे दो भाइयों के लिए जल्दी से। गुड नाइट, ये सरप्राइज नहीं होता भाई, कमेंट में करो कैंटी जी सरप्राइज दे दो कि हमें भी ब्लॉग में मजा आ जाए, ऐसी कुछ चीज कर दो अब मेरी जिंदगी में कि मैं ब्लॉग तगड़े बना दूं और आनंद आ जाए, और यूं भी लिख दो भाई घुमा लाए कहीं पे, घुमा के नहीं ला रहे भाई, बहुत दुखी हो रहा हूँ। ठीक है मैं कुछ सरप्राइज दोगे ब्लॉग में, जो मतलब हम नहीं, मैं इन सबको दूं, आप मुझे दो सरप्राइज, हो रहा है ऐसा, करेंगे कोशिश, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट से जरूर करना, और चैनल पे जो भी नया हो, नहीं लगे तब भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है ना, और जो भी भाई नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राम राम, गुड बाय, गुड नाइट।